वीकली कनेक्टेड ग्राफ मतलब क्या होगा? अ डायग्राफ, अ डायग्राफ इज सेड टू बी, इज सेड टू बी वीकली कनेक्टेड. अ डायग्राफ इज सेड टू बी वीकली कनेक्टेड इफ इफ इट इज कनेक्टेड कनेक्टेड एज ए अनडायरेक्टेड ग्राफ, एज ए अनडायरेक्टेड ग्राफ इन विच डायरेक्शन ऑफ एज, इन विच डायरेक्शन ऑफ एजेस आर निग्लेक्टेड. सपोज आपके पास में ये इस टाइप का ग्राफ है, एक डायग्राफ हमने यहाँ पे निकाला हुआ है. V1, V2, V3 एंड V4. ये जो ग्राफ है, आप V1 से V2, V3, V4 ये जो कनेक्टेड है, इसके अंदर अगर आप डायग्राम को डायरेक्शन को एलिमिनेट भी करते हो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. सो ये जो ग्राफ रहेगा, इट इज अवर वीकली कनेक्टेड ग्राफ. दिस इज अवर वीकली कनेक्टेड. अब ये डायरेक्शन के साथ में, तो वी टेक इट इज ए डायग्राम. दूसरा एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, एक आइसोलेटेड नोड कंटेन है. ये तीन वर्टेक्स आपके, चार वर्टेक्स है और ये एक आइसोलेटेड नोड है. तो ये जो ग्राफ रहता है, इट इज नॉट वीकली कनेक्टेड ग्राफ. यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ, यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ मतलब क्या होगा? अगर आपका ग्राफ है कि जहाँ से V1 से V2, V2 से, मतलब एक पाथ कोई तो भी एग्जिस्ट होना चाहिए. अगर आपके पास में ये वाला ग्राफ गिवन है, सपोज वी टेक दिस ग्राफ V1, V2, V3, V4. अब इसमें से आपको कोई भी पेयर दिया रहा हो, V2 से V3 जा सकते हैं क्या, चेक करो. मतलब एक पाथ एग्जिस्ट होना चाहिए. एक अगर आपके पास में दो वर्टेक्स है, V1, V2, तो क्या आप V1 से V2 जा सकते हैं क्या? तो यस, हम यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं. अब दूसरा पाथ नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब V2 से V1 नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या आप V3 के ऊपर जा सकते हैं क्या? तो यस, V1 से V2, V2 से V3. तो एक तो भी पाथ, अगर आप कोई भी दो वर्टेक्स लेते हो, तो देयर मस्ट बी एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ, आइदर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड वर्टेक्स या फिर फर्स्ट सेकेंड टू फर्स्ट. एक अगर पाथ एग्जिस्ट है, एटलीस्ट वन पाथ, तो देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ. समटाइम्स क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे आपके पास में, ये तो आपका कैसा है, कोई भी पेयर लेते हो तो एक तो भी पाथ हर एक के इसमें कंटेन है, तो इट इज अवर वीकली कनेक्टेड एज वेल एज यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ. यूनिलैटरली कनेक्टेड इनकेस सपोज वी टेक दिस टाइप ऑफ डायग्राम, हियर अगेन कंटेन द फोर वर्टेसेस V1, V2, V3 एंड V4. अब चेक करो, आपको V3 से V1 जा सकते हैं क्या? V3 से V1 पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल. मतलब V3 से अगर आप निकलते हो तो V3 से जाने के लिए एरो ही नहीं है. बट क्या आप V1 से V3 जा सकते हैं? यस, V1 से V3 जाने के लिए पाथ है. V4 पे जा सकते हैं क्या? V1 से V4, V1 से V4, यस देयर इज अ पाथ. तो V1 से आप क्या कर सकते हो, दूसरे वर्टेक्स पे जा सकते हैं.
अब V4 के बारे में सोचो, V4 और V1 ये कनेक्टेड है, V4 से V2 भी जा सकते हो, V4 से V5 भी जा सकते हो, भले ही V3 के ऊपर भी जा सकते हैं। मतलब इस डायग्राम में कैसा है, दोनों साइड से पाथ एग्जिस्ट नहीं है, आप क्या कर सकते हो, V1 2 V3, इसके लिए क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पाथ, तो ऐसा पाथ एग्जिस्ट है, बट V3 2 V1 डज नॉट एग्जिस्ट अ पाथ। तो भले ही यहाँ पे उल्टा जाने के लिए पाथ नहीं, बट एटलीस्ट वन पाथ तो है, इधर से इधर नहीं जा सकते, तो इधर से इधर मतलब दो सिटी है, तो दोनों सिटी में से एक सिटी से तो भी हम दूसरे सिटी पे ट्रैवल कर सके, भले ए से बी जा रहे हैं, बी से ए पॉसिबल नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक तो भी पाथ अगर एग्जिस्ट है तो इसको क्या कहते हैं हम, इट इज कॉल्ड द यूनिलैटरल पाथ, यूनिलैटरली कनेक्टेड डायग्राम। अब इसका डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन कैसा है, अ डायग्राफ इज सेड टू बी यूनिलैटरली कनेक्टेड, इज सेड टू बी यूनिलैटरली कनेक्टेड, यूनिलैटरली कनेक्टेड इफ फॉर एनी पेयर ऑफ नोड्स नोड्स ऑफ द ग्राफ्स ऑफ द इफ एनी पेयर ऑफ नोड ऑफ द ग्राफ एटलीस्ट वन ऑफ द नोड एटलीस्ट वन ऑफ द नोड्स ऑफ द पेयर इज रीचेबल फ्रॉम द अदर नोड सो V1 to V3, तो इस डायग्राम में अगर देखते हैं तो V3 इज रीचेबल फ्रॉम V1, V1 से क्या कर सकते हैं हम, V3 के तरफ जा सकते हैं, तो V3 इज रीचेबल फ्रॉम V1, सो एटलीस्ट वन एग्जिस्ट है, तो वी कैन से दिस ग्राफ इज ए यूनिलैटरल ग्राफ, और ये हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के लिए होना चाहिए, दो कोई भी वर्टेक्स लेते हो तो एनी टू वर्टेक्स कंसिडर करो, वहां से एक तो भी पाथ एग्जिस्ट होना चाहिए, देन एंड देन इट इज कॉल्ड यूनिलैटरली कनेक्टेड ग्राफ। नाउ द थर्ड टाइप इज, थर्ड वन इज ए स्ट्रांगली कनेक्टेड, थर्ड इज स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। अब स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ मतलब क्या होगा, कि जाने के लिए पाथ होना चाहिए, मतलब V1 इज रीचेबल फ्रॉम V3, V3 इज रीचेबल फ्रॉम V1, ऐसे कोई भी दो पेयर अगर उठाते वर्टेक्स का, तो यहाँ से अगर इधर जा सकते हो V4 पे, तो V4 से V1 के ऊपर भी आने के लिए पाथ होना चाहिए। जैसे ये वाला डायग्राम में देखो, आप कोई भी दो वर्टेक्स की बात करो, एनी टू वर्टेक्स अगर इसका उठाते हो, तो V1 से V3 जा भी सकते हैं और V3 से V1 आ भी सकते हैं, V1 से V2 चले गए, V2 to V1 भी आ सकते हैं। सो एवरी वर्टेक्स क्या हो रहा है, कोई भी टू वर्टेक्स अगर लेते हैं तो इट इज रीचेबल फ्रॉम V1 to V2, V2 to V1, तो ऐसे आप दोनों वे से जाना आना कर सकते हैं, तो देन दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड ग्राफ। बट ये वाला कैसा ग्राफ है, कि आपके पास में एक पाथ तो है बट दूसरा पाथ नहीं है, तो इट इज नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। समझ में आ रहा है क्या ये दोनों कंसेप्ट, ये ग्राफ कैसा है, यूनिलैटरली कनेक्टेड एंड ऑल्सो अ स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, ये हो जाएगा आपका स्ट्रांगली कनेक्टेड, यूनिलैटरल भी है एज वेल एज स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बट इस डायग्राम में कैसे है, आप अगर पाथ चेक करते हो, एनी टू पेयर, तो हमने एक पेयर ले लिया, जैसे सपोज V2 और V3 ले लो, V2 से V3 तो जा सकते हैं बट V3 से V1 V2 वापस नहीं आ सकते, सिर्फ वन ही डायरेक्शन में जा सकते हो, सो ये क्या आप कैसा है, यूनिलैटरली कनेक्टेड तो है बट नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड, बट नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड। A simple diagram is said to be
is said to be strongly connected if for any pair of nodes of the graph both the nodes of the pair are reachable from one another. एक दूसरे के वहां से अगर आना जाना कर सकते तो वी वन इज रीचेबल फ्रॉम वी टू, वी टू इज रीचेबल फ्रॉम वी वन, ऐसे ही रिमेनिंग अदर वर्टेक्स के लिए. सो देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ. ये इसमें से कौन सा ग्राफ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, कौन सा ग्राफ यूनिलैटरली कनेक्टेड है, वो आपको फाइंड आउट करना है. सो सी द एग्जाम्पल. सपोज वी हैव गिवन ग्राफ कंटेन फोर वर्टाइसेस, V1, V2, V3, V4. So this diagram contains four vertexes, V1, V2, V3, V4. And इस तरह से यहाँ पे direction given. अब properly diagram को observe करके बताओ कि ये graph आपका कौन सा graph है. कभी कभी तीनों भी हो सकता है, weakly connected, strongly connected and unilaterally connected. और कभी कभी सिर्फ वीकली कनेक्टेड होगा या फिर सिर्फ यूनिलैटरली कनेक्टेड होगा. हियर इट इज V1, V2, V3, V4 एंड V5. एक एक ग्राफ के बारे में बताना है. पहला वाला ग्राफ देखो. फर्स्ट ग्राफ में हम V1 से V2 जा सकते हैं क्या? चेक करो. V1 से V3, V1 से V4 भी पॉसिबल है ना. नाउ V2 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? V2 से हम जा सकते हैं V3, V2 से V4, बट V2 से हम V1 जा सकते हैं क्या? V2 से V1 पॉसिबल नहीं है. आने के लिए तो रास्ता है बट जाने के लिए नहीं है. नाउ सेकेंड चेक करो. V3 से V1 पॉसिबल नहीं है, V2 भी पॉसिबल नहीं है, बट नो प्रॉब्लम. V3 से V4 जा सकते हैं क्या? चेक करो. V3 से V4, यस. इसका मतलब क्या है? एक पाथ एग्जिस्ट है. कोई दो पेयर ऑफ वर्टेक्स लेते हो तो वहां से वहां पे जाने के लिए एक पाथ एग्जिस्ट है. मैंने स्टार्ट किया V1 से चेक किया कि मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, फिर चेक किया V2 से, फिर चेक किया V3, फिर चेक किया V4. तो मुझे क्या मिला कि एक तो भी पाथ एग्जिस्ट है, मतलब सारे के सारे पाथ नहीं है. V1 से V2 तो जा सकते हैं बट V2 से V1 वापस नहीं आ सकते, तो वापस के लिए रास्ता नहीं. बट जाने के लिए हर एक दो पेयर में से किसी एक से तो भी हम ट्रैवल कर सकते हैं. सो V4 पे अगर मुझे V1 से जाना है तो देयर इज अ पाथ. भले ही V4 से V1 जाने के लिए पाथ नहीं है बट V1 से V4 तो जा सकते हैं. सो दो पेयर में से एक जगह से तो हम एक से दूसरे के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं. सो ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ ए, मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ग्राफ. सो देयरफॉर डायग्राफ ए इज यूनिलैटरली कनेक्टेड बट नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड बिकॉज V2 is reachable from V1. V2 कैसा है? ये reachable है from V1. तो V1 से V2 possible है but V1 is not reachable from V2. But V2 से V1 reachable नहीं है. So here, द
this graph is not strongly connected. Now what about the digraph v2? Digraph second dekho, b wala digraph. v1 से v2 जा सकते हैं, v2 से v1 वापस भी आ सकते हैं, v1 से हम v3 जा सकते हैं, v3 से हम वापस भी आ सकते हैं, v1 से v4 जा भी सकते हैं, वापस आ सकते हैं, v1 से v5 पे चले गए, वापस आने के लिए रास्ता नहीं है, है ना? v1 से v5 चले जाओगे तो वापस आने के लिए है क्या रास्ता? नहीं है. बट यहाँ पे हमें स्टॉप नहीं करना है उतना देख के, हमें ये जैसे V5 का 5 पे जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता, ठीक है. V2 से V1 जा सकते, वापस आ सकते, V3 पे जा सकते, आ भी सकते, V4 पे जा सकते हैं और V5 पे भी जा सकते हैं. V2 से V5 पॉसिबल है, V3 से V4 भी पॉसिबल है, V5 भी पॉसिबल है एंड V4 से V5 पॉसिबल है. सो दैट मीन्स देयर इज अ वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन द एनी टू पेयर ऑफ वर्टाइसेस. सो ये ग्राफ नंबर बी कैसा होगा, इज unilaterally connected, unilaterally connected but not strongly connected, strongly connected. और क्यों नहीं है उसका रीजन भी लिखना है, not strongly connected because here V5 के बारे में लिख सकते हैं, कोई भी दो पेयर बता दो कि जहां पे V5 के तरफ जा सकते हैं. सो बिकॉज वी फाइव इज रीचेबल रीचेबल फ्रॉम वी वन, वी वन से वी फाइव जा सकते, तो वी फाइव इज रीचेबल फ्रॉम वी वन बट वी वन इज नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल फ्रॉम वी फाइव. तो दिस इज द रीजन, दैट्स वाई अवर ग्राफ इज नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड. नाउ व्हाट अबाउट द ग्राफ सी, डायग्राफ सी के बारे में क्या कहोगे, वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड वीकली कनेक्टेड क्या है, यूनिलैटरली स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड. तो ये कैसा है, सी नंबर का स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है एज वेल एज वीकली कनेक्टेड है एज वेल एज इट इज ए यूनिलैटरली कनेक्टेड. तो ये जो सी ग्राफ है, तो डायग्राफ डायग्राफ सी इज यूनिलैटरली connected and strongly connected. So ये हो जाएगा इसका reason. Thank you. Like, share and subscribe.